नवंबर माह में 20 तारीख तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए बुरहानपुर से खंडवा खरगोन की विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यात्रा की अगुवानी को लेकर कांग्रेस संगठन और NSUI व्यापक पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। हमारा प्रयास है कि 4 लाख से अधिक लोग यात्रा में जुड़े। यह बात मंगलवार को NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने पत्रकारों से चर्चा में कही। चौकसे ने कहा, कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। उन्होंने करीब 80 वर्षीय खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर कहा कि वे सीनियर नेता है, उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से निश्चित पार्टी को लाभ मिलेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, वो एक चुनावी प्रक्रिया है और 80 साल के बुजुर्ग के साथ साथ आप ये भी देखिए कि उनको किस प्रकार का अनुभव है। लगभग बूथ लेवल से उठकर वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भूमिका में पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं उनका अनुभव हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। वो युवाओं को और बुजुर्गों को सबको साथ लेकर पार्टी को मजबूती देने का आगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी काम करेंगे। यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने PCC अध्यक्ष को पत्र लिखा कि मेरा कोई फोटो नहीं लगा जाए इस दौरान। ये गुटबाजी देखिए, एक मिनट देखिए, वो दिग्विजय सिंह जी का उसमें क्या सोचना है, क्या विषय है, वो दिग्विजय सिंह जी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा उस पर टिप्पणी करना सही नहीं। इतनी बड़ी यात्रा है तो वहाँ दरकिनार क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल दरकिनार नहीं है, जबकि दिग्विजय सिंह जी तो पूरे देश में इस यात्रा के समन्वय कर रहे हैं। पूरे देश में यात्रा का क्या रूट होगा, कैसे यात्रा चलेगी, समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी तो उसमें किनारे वाली तो कोई बात नहीं। का क्या मतलब है वो तो उसमें वही जवाब दे सकते हैं, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने क्यों वो जितने युवाओं को टिकट दिया जाएगा विधानसभा के लिए NSUI के कितने राय के? देखिए, आप पिछला भी अगर 2018 का चुनाव उठाकर देखेंगे तो उसमें भी बहुत युवाओं को मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने टिकट देने का काम करा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो सरकार बनी उसके बाद कैबिनेट में भी आप उठा के देखेंगे तो 8 से 10 युवा मंत्री माननीय कमलनाथ जी की कैबिनेट में थे। आपके यहाँ के खरगोन जिले के कसावा से भी हमारे जो युवा विधायक है सचिन यादव जी मुख्यमंत्री थे। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिंकू पटवारी जी हों, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल हों, जयवर्धन सिंह हों, तो बहुत युवाओं को मौका देने का काम करा। और आने वाले 23 के चुनाव में भी माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो जीत सके उनको मौका देने का काम माननीय कमलनाथ जी भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कोई भी अच्छा काम हो उस पर टिप्पणियाँ करना, तो जो भारतीय जनता पार्टी का काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार जब से राहुल जी की पदयात्रा शुरू हुई है कन्याकुमारी से, सिर्फ ओछे ओछे और भद्दे टिप्पणियाँ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने एक तथ्य तो सुना ही होगा, एक कहावत है कि खिसियाए बिल्ली खम्मा नोचे। तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की डेट में ऐसी है, खिसियाई हुई बिल्ली है, खम्मा नोचने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल जी की पदयात्रा को समर्थन मिल रहा है, लाखों लोग राहुल जी के साथ खुद ब खुद आके चल रहे हैं, जिस प्रकार से जनता उनको प्यार दे रही है, उनके साथ खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी डरे हुए हैं। तो वही एक बात फिर से दोहराऊंगा, बौखलाई बिल्ली खम्मा नोचने का काम कर रहे हैं। कितने लोग महंगे यात्रा में शामिल, मध्य प्रदेश में क्या लक्ष्य रखा है, किस प्रकार की तैयारी? देखिए, लाखों लोग मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल होने वाले हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख लोग पर डे राहुल जी की यात्रा में राहुल जी के साथ कदम ताल मिलाएंगे, राहुल जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। और ये आंकड़ा तो अभी हमने सोच के रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 से 4 लाख लोग पर डे राहुल जी के साथ आएँ, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। प्रदेश में लगभग 7 से 8 करोड़ जनसंख्या है और पूरे प्रदेश में इस समय राहुल जी की पदयात्रा को लेकर एक उत्साह है, एक माहौल है। जिन जिलों से होकर राहुल जी की पदयात्रा गुजर रही है उन जिलों के अलावा भी पूरे प्रदेश के लोग राहुल जी की एक झलक पाने के लिए, राहुल जी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए आतुर है। जिस प्रकार से राहुल जी को समर्थन पूरे देश में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी भरपूर जनता का समर्थन मिलने का जोर शोर की राजनीति की जा रही है, लगता है कि आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव। देखिए, जोर शोर की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का माननीय कमलनाथ जी का कहना है कि जो डरपोक है, जो डरता है,
वो चला जाए, उनको खुली इजाजत कमलनाथ जी ने दे रखी है। माननीय राहुल गांधी जी का कहना है जो डरेगा आरएसएस से, उनकी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी से, वो जा सकता है। और जो शेर है, बब्बर शेर है कांग्रेस के, वो कांग्रेस में ही रहेंगे, उनको कोई कांग्रेस से ले जाने शेर से लेकर की बात करें मध्य प्रदेश के, तो कौन कौन लोग स्वागत के लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रवेश कर? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई सीनियर लीडर नहीं है। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।